वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। जदों एक महापुरुष ने गुरमत सतसंग सभा की शुरुआत की तां बाबा कुंदन सिंह जी ने उन्हां नूं समत बख्शी सी कि सोसाइटी चालू कर रहे हो, नाम जपना अते जपोना यह कारज बहुत उच्चा व्यापार है, पर एक गल ध्यान रखना, कदी किसे नूं अपने किले नाल ना बनना। महापुरशां ने कहा, बाबा जी मैं कुछ समझिया नहीं। तां बाबा जी ने समत दित्ती, संगत नूं अपने नाल नहीं जोड़ना। धन गुरु नानक महाराज नाल, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल, बाणी नाल जोड़ना है। जे अपने नाल जोड़ो अपनी कमाई देनी पैंदी है। बहुत संगत कहेगी साडी अरदास कर दिओ, साडा यह दुख है, साडी यह मंग है, क्योंकि संसार दुखां दा घर है। जो भी कोई अपना दुख दसे सब नूं गुरबाणी नाल जोड़ के धन धन श्री गुरु रामदास जी दे दर वल, बाबा दीप सिंह जी दे दर वल तोरना है, गुरु नानक दे दर वल तोरना है। फिर आपे गुरु साहब जानन जां फिर गुरु नानक जानन। कहन तो भाव अपनी कमाई देनी पैंदी है। किसे दी अरदास करन वेले जे कमाई घट होवे जां किसे दा कष्ट वड्डा होवे, गुनाह वड्डा होवे, ता ओहो फिर अरदास करन वाले नूं वी भुगतना पै सकदा है। साडी अज दी साखी बाबा हरनाम सिंह जी ने अरदास नूं इसे तरह करना है दी सेध दित्ती है। बाबा हरनाम सिंह जी दी एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जड़े चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना, अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना, अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालिया ने सेक नेहा किताब विच अपना एक जिक्र लिखिया है। अवतार सिंह जो के उन्हां दा मासी दा पुत्तर सी, बाबा जी नूं चाचा जी कहिंदा सी। जवानी दी उम्र ते उसनूं गठिये दी तकलीफ हो गई, सारा शरीर जुड़ गया, दर्द नाल दिन रात हाए हाए करके कुरलौंदा रहिंदा सी। उसदे शरीर विच हर वेले उसनूं जलन महसूस हुंदी सी। बथेरा इलाज करवाया आयुर्वैदिक एलोपैथिक, पर कुछ भी फर्क ना पिया, सगों तकलीफ दिन ब दिन वधदी गई। हस्पताल भी दाखल करवाया पर निराशता ही हाथ लगी। जद बाबा जी नूं माता पासों अवतार सिंह दी इस हालत बारे पता लगा तां ओह उसदे घर उसदी खबर लैण लई गए। जदों बाबा जी उसदे कमरे विच गए जिथे ओह दर्दां नाल कुरला रहा सी, बाबा जी दी इन्नी कमाई सी, रोम रोम विच उहनां दे नाम दा वासा सी, जिसदा सदका जिन्ना समा बाबा जी उस कोल बैठे रहे उसनूं अपनी तबीयत ठीक महसूस होई। कुछ चिर उस कोल बैठ के बाबा जी वापस अपने अस्थान ते चले गए। उन्हां दे जान तो बाद उसनूं फिर वही तकलीफ महसूस होण लग पई। कुछ दिनां बाद एक दिन बाबा जी उसदा हाल चाल पुछण आए तां फिर अवतार सिंह ने बड़ी शांति महसूस कीती अते उसने बाबा जी नूं बेनती कीती, आप जी जद तक मेरे पास होंदे हो मैनूं कोई दर्द महसूस नहीं होंदी, आप जी मेरे ते कृपा करो। बाबा जी ने कहा, यह जो तेनूं राहत महसूस होंदी है वह साढ़े करके नहीं, बल्कि जो असी गुरु साहब की कृपा नाल नाम जपते हाँ उस करके महसूस होंदी है। तू भी हाए हाए की जगह वाहेगुरु करिया कर, सब ठीक हो जाएगा। वह कहन लगा, वाहेगुरु करना मेरे वास्ते गल नहीं, मेरे कोलों ता दर्द नाल हाए हाए ही निकलती है। जदों तक तुसी कोल हुंदे हो तां दर्द तो राहत मिलती है अते तां ही तुहाडे नाल गलबात करदा हां। कुछ समा बैठ के बाबा जी वापस अपने घर आ गए। अवतार सिंह ने अपनी माता ने कहा कि मैनू पता लग गया है, मैनू सिर्फ चाचा जी ही राजी कर सकते हैं। जे तुसी मैनू ठीक वेखना चाहते हो तां उन्हां नूं कहो मेरे ते मेहरबानी करन। अवतार सिंह जी दी माता ने बाबा जी दी माता नूं बेनती कीती कि तुसी हरनाम सिंह नूं कहो, ओह तुहाडी गल नूं नहीं मोड़नगे, मेरा इकलौता पुत्तर है, जे ओह कोई चारा कर देन तां उसदी जान बच सकती है, नहीं तां डाक्टर तां जवाब दे ही चुके हन। बाबा जी दी माता नारायण कौर ने बाबा जी नूं प्रेरणा कीती कि उसदा इकलौता पुत्तर है अते
उसका इकलौता ही सहारा है। माता जी की प्रेरणा अते माता जी के सत्कार कारण बाबा जी ने कहा, मेरा मन तो नहीं मानता, क्योंकि वह महापुरुष कमाई वाले सन अते समझते सन कि उसके इन्ने वड्डे कष्ट का कारण कोई उसका बहुत वड्डा गुनाह है। अते उसके लिए अरदास बेनती करन दा मतलब होवेगा अपने ते कष्ट आना। वह जानते सन अपना बिगाड़ बिराना सांड है, भाव अपना बिगाड़ के दूजे का सवारन वाली गल होवेगी। पर कुछ तो इस करके कि माता का कहना नहीं सी मुड़ सकते अते कुछ ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा वाली गल सी। बाबा जी मन गए, उन्हां रोज सवेरे अपने नेम तो बाद अवतार सिंह दे घर जान अते उसके कमरे च जमीन ते साफ सुचा आसन विछा के लागे अवतार सिंह नूं लम्मा पवा लेना। बैठ तां उह सकदा नहीं सी अते आप बत्ती माला रोज इस शब्द दियां बोल के करनियां ता के बाणी उसके कन्नां विच पहुंचे अते कन्नां राही उस बाणी दा असर उसके शरीर अंदर जाके उसके रोग नूं राजी करे। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्तकाया रखिया परमेश्वर है। अजे कुछ दिन ही जाप करदे बतीत होए ता महापुरशां नूं अनुभव हो गया इसने पाप बहुत वड्डे कीते हन। जे असी अपने वलों अरदास कीती तां इह कष्ट साडे ते वी आ सकदा है। पर 40 दिन जाप करके महापुरश उस वलों अरदास करदे रहे। सतगुरु जी इह अवतार सिंह बेनती करदा है, मेरे गुनाह बख्श दिओ। इस नाल ओह जानन जां सतगुर जानन। इस तरह अरदास करन नाल अवतार सिंह राजी हो गया अते महापुरख अगों नाम बाणी अते भावना विच रहन दी उस नूं प्रेरणा कीती। इस साखी तों अपने लई वी सिद्ध है, कोई पता नहीं कौन केड़े पापां दी सजा भुगत रहा है, कौन किस भावना नाल अरदास करवा रहा है। अरदास किसे दी वी करनी पै जावे तां परमात्मा वलों करनी है अते आप विच निकल जाना है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।